देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलते हैं जी तो क्या बात हो सकती है, यही प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल स्थिति क्या है, आगे कैसे इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमें क्या तैयारी करनी है, तो तमाम बातें होती राजनीतिक। और काफी लंबे अरसे बाद माना हुआ हमारी असेंबली चल रही है, वहाँ पर बलूचिस्तान चल रहा है, इसलिए हम लोग लगे हुए थे उसके अंदर। आज मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात, अरे कोई बात नहीं, बातचीत हुई, आगे की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, और भी मैं आने की कोशिश करूंगा, जल्दी आएंगे फिर बातचीत। सर एक सवाल हमारा ये है, नया सरप्राइज दे सकते हैं जैसे मंत्रिमंडल विस्तार या ऐसा कुछ आप? सर नहीं, अभी तो क्या सरप्राइज देना है सर, मेरा एक सर मैंने रिप्लाई दे दिया उसके अंदर, मेरी भावना थी वो बता दी वहाँ पर, गवर्नेंस के बारे में बता दिया, और सुबह बाइट लिया आप लोगों ने, उसमें मैंने कोई कमी रखी नहीं है। फिर मैं कहना चाहूँगा देश की दिशा में जा रहा है, दिशा में जाएगा, वो चिंता के विषय बना हुआ है। लोकतंत्र की बात हम करते हैं, पर जिस पर राहुल गांधी जी को लेकर के पार्लियामेंट सत्ता पक्ष खुद ही चलाने के लिए डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा तो कभी देखा नहीं। सर एक सवाल मेरा यह है, सर इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक सेकंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस माफी मांगने के लिए बार बार जोर दे रही है, प्रिविलेज कमेटी के सामने चीजें पेश हो गई हैं। माफी तो मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, दुनिया भर में जब वो गए हैं तो पूरे देश ने सुना वो क्या बोलते थे वहां पर, वो क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हुआ, वो भी बहुत गंभीर बात थी, कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है सब दुनिया में ये कहना है कुछ नहीं हुआ 70 साल में, ये हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स का उनकी बेइज्जती है। 70 साल में जिन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए, खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, पंडित नेहरू ने नींव रखी देश के अंदर, उनके बारे में क्या लोग सोचते हैं, उनकी बेइज्जती नहीं होती है जिसने देश को बनाया है। प्रधानमंत्री ने उसके बाद में कोरिया के अंदर जर्मनी में क्या बोले हैं वो तो मैं वहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को चाहिए कि ये इतनी बड़ी बहस का विषय बनाने के बजाय अगर अडानी जी के ऊपर बहस शुरू हो जाए, मान लीजिए क्या फ़र्क पड़ेगा, अल्टीमेटली फैसला तो गवर्नमेंट करेगी अडानी जी के बारे में, उनको क्या करना है। और डेमोक्रेसी के अंदर बहस होना मैं समझता सभी तरीके से वाजिब होता है, होनी चाहिए बहस, देश क्या सोच रहा होगा। राहुल गांधी जी के बारे में आप जब बहस होगी अडानी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में बहस हो जाएगी। इस प्रकार से जो है डेमोक्रेसी में देखा है बहस होते हुए देखा है, ये कभी नहीं देखा कि आप नारेबाजी करके खुद ही आगे बढ़ करके आप एडजॉइन करो दो हाउस को, ये पहली बार हो रहा है। सर एक सवाल मेरा ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर आज एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है पूरे देश में, जिसमें आपकी शक्ल पे राजस्थान में जितनी भी नीतियां आपने अपनाई जो 5 साल में काम किए उसको दर्शाया गया है, और आखिरी में साफ साफ संदेश दिया गया है कि 2023 से 2028 में अशोक गहलोत का चेहरा होगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। सवाल ये है क्या मान लिया जाए आप मुख्यमंत्री होंगे, और सचिन पायलट को क्या आपने मना लिया है? देखिए बात सुनिए, मैं तो देखा नहीं है, आपने कहा मैं जब जाके देखूंगा क्या है उसके अंदर आ रहा मैसेज। पर जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, इस कांग्रेस पार्टी के अंदर हम तो बचपन से काम करते हैं, हमेशा मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करता है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, ये कभी बहस का विषय रहता ही नहीं हमारी पार्टी के अंदर। हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो हाईकमांड फैसला करती है वो हम सबको मंजूर होता है, ये परंपरा रही है, आगे भी वो परंपरा रहेगी। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो ऑफिशियल हैंडल है इंस्टाग्राम पे आपकी पार्टी का। सर और क्या मुख्य मुलाकातें होंगी, आपका दिल्ली दौरा लंबे समय बाद हुआ है, और किस किस से आप मुलाकात कर सकते हैं सर? जो नेता लोग दिल्ली में हमारे हैं कांग्रेस के, उन सबसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, और कुछ सुझाव देते हैं तो मैं देख लेता हूँ। सर सर चुनाव है साल, तो पार्टी में जो डिफरेंसेस हैं वो दूर हो जाएंगे सचिन पायलट के साथ जो डिफरेंसेस हैं? डिफरेंसेस नहीं हैं, अपने अपने मतभेद होते रहते हैं हर पार्टी के अंदर है। बीजेपी की तो जो दुर्गति हो रही है राजस्थान में तो कहीं नहीं हो रही है देश के अंदर, तो आप किसकी बात करते हो। हमारी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद तो चलते रहते हैं और हर राज्य में हर पार्टी में होते हैं, पर हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक।
हूँ।